यूट्यूब पर अभी रिसेंटली बड़े बड़े चैनल्स को डिलीट किया गया है, तो अगर आपने भी यूट्यूब चैनल बना रखा है और कोई ऐसा वीडियो अपलोड किया है जिसको देख के आपको लगता है कि इसकी वजह से आपका चैनल डिलीट हो सकता है, तो या तो आप उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, या अगर उस वीडियो पर कुछ ज़्यादा व्यूज आ रखे हैं तो अगर उस वीडियो में कोई ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आपका चैनल डिलीट हो सकता है तो आप उस पार्ट को ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपने अगर YouTube पर वीडियो अपलोड कर रखा है तो उस अपलोडेड वीडियो को आप ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में YouTube की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप मोबाइल में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से YouTube स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है उसको डिलीट कर देना है एक बार, उसके बाद आप वापस उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है आपको परेशान करेगी बार बार, तो आप एक बार उसको डिलीट कर दें। उसके बाद आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में YouTube की वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पर जो डेस्कटॉप मोड है उसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना चैनल सेलेक्ट कर लेना है और इस आइकन पे क्लिक करके आपको यूट्यूब स्टूडियो पर आ जाना है। यहाँ पर आपका चैनल कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी आपको क्या करना है, उस वीडियो पर जाना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वीडियो हम ले लेते हैं, इसको हम ब्लर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए ये एक एडिट का आइकन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये वीडियो पूरा ओपन हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर जो है वीडियो को ब्लर करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक एडिटर का ऑप्शन है, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये आइकन दिखाई देगा, ये नाम दिखाई नहीं देगा। अगर आप नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये नाम भी दिखाई देने लग जाएगा। खैर, आप इस जो आइकन को है क्लिक कर लें एक बार, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो YouTube वीडियो का एडिटर पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और अभी जो है आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं एडिट करने के, अगर आप ट्रिम करना चाहें वीडियो को तो यहाँ पर आप ट्रिम कर सकते हैं, अगर आप कोई ऑडियो एड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका वीडियो बड़ा है यहाँ पर तो आप जो है बीच बीच में एड लगा सकते हैं। और फिलहाल जो है हम यहाँ पर ब्लर करेंगे वीडियो को, तो ये देखिए ब्लर का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को है जो हम बीच में एक जगह पर ब्लर करेंगे, यहाँ पर जैसे हम ब्लर इफेक्ट लगाना है आपको, तो जहाँ पर आपको ब्लर इफेक्ट लगाना है आपको सबसे पहले यहाँ से इस प्रकार से जो है उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना, उस एरिया पे क्लिक कर लेना है। तो इस फिलहाल इस वीडियो को हम पॉज करेंगे, फिर देखिए आपको ये जो ब्लर का ऑप्शन है यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। अभी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है फेस ब्लर का, एक है कस्टम ब्लर का। अगर आप फेस ब्लर यूज़ करते हैं तो वीडियो में जिस भी व्यक्ति के फेस पर आप लगाएंगे ब्लर, वो वीडियो में जैसे जैसे मूव होगा थोड़ा बहुत अगर हिला तो उसी के हिसाब से जो ब्लर इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली हिलने लग जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर कस्टम ब्लर का इस्तेमाल करेंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर पहले तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लर का ऑप्शन है ये यहाँ पर आ चुका है। अभी आप इसको जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको राउंड शेप में करना हो ब्लर तो इस पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर राउंड शेप में हो गया। ठीक है, अगर आपको ये चौरस करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ट्रैक ऑब्जेक्ट ये पहले से सिलेक्ट होगा, इससे क्या होगा कि वीडियो में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा और जिस एरिया पर आप ये ब्लर इफेक्ट लगाएंगे अगर वो एरिया यहाँ पर वीडियो में थोड़ा बहुत भी मूव हुआ तो उसी के हिसाब से ये ब्लर इफेक्ट मूव होगा। अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं एक ही जगह पर तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया। और अभी देखिए आपको जो है इस ब्लर इफेक्ट को उस एरिया पर ले जाना है। उससे पहले जो है यहाँ पर देखिए आप वीडियो को जो है जहाँ पर इस ब्लर इफेक्ट को लगाना चाहिए वहाँ पर इसको देखिए यहाँ से पकड़ के आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको छोटा या बड़ा करना चाहें तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जब आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ से ये छोटा या बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, मोबाइल में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए ये करने में, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लगा लेते हैं फिलहाल, तो इसके बाद वीडियो को हम प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने वीडियो को प्ले किया तो ये ब्लर इफेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जिस एरिया में जितनी एरिया में ये लगाना चाहिए उतनी एरिया में लगा सकते हैं। आपकी वीडियो का जो भी पार्ट आपको ब्लर करना है आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में हमें जो है ब्लर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो लेकिन आप जो है जिस एरिया में आपको करना हो ब्लर उस एरिया में आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब आप पूरे एरिया को अच्छी तरह से ब्लर कर दें तो उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा कि आप जो ये अभी चेंज कर रहे हैं अपनी वीडियो में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए आपको,
ये सेव होने में, अपडेट होने में, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ घंटों में ही आपका जो वीडियो पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है बस। उसके बाद आपको वापस यहाँ पर देखिए सेव हो चुका है, आपको अभी वापस बैक से ले जाना है। आपका जो वीडियो है वो ब्लर हो चुका है अभी। जब आप थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे वीडियो को प्ले करके YouTube एप्लीकेशन में, तो आपको वो एरिया ब्लर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप YouTube में अगर आपने पहले से कोई वीडियो अपलोड कर रखा है उसको आप ब्लर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।